પોલિસી ફ્રોડના ભાગરૂપે અલગ અલગ વીમા કંપનીઓમાં પોલિસીઓ લેવડાવી પોલિસીઓનું પેમેન્ટ રિલીઝ કરાવવાની વાતો કરી જુદા જુદા ચાર્જ જણાવીને વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડી આચરનાર ટોળકીને ઉત્તર પ્રદેશ અને દિલ્હીથી સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલની ટીમે ઝડપી પાડી હતી। पॉलिसी फ्रॉड ना भाग रूपे विविध वीमा कंपनियों में पॉलिसीओ लेवड़ावी पॉलिसीओनु पेमेंट रिलीज करावाना बहाने सूरत ना वृद्ध पासे पुत्र पुत्रवधु तथा संबंधीओना नामे पॉलिसीओ लेवड़ावी 48,35,000 थी वधु पड़ावी लेनार टोड़की विरुद्ध सूरत साइबर क्राइम सेल में वृद्धे फरियाद नोंधावी हती। जे फरियाद नी तपास करी रहेल साइबर क्राइम ना पीआई टीआर चौधरी तथा पीआई डीके पटेल सहित नी टीमे दिल्ली थी इरफान अहमद तो यूपी ना बदायू थी अब्दुल मन्नान खान उमर मिया तथा आकिब खान ने झड़पी पड़ा था अने तेओ पासे थी रोकड़ा रूपया 12,25,000 अने 4 मूंगा दाट मोबाइल कब्जे कर्या हता। सूरत शहर पुलिस द्वारा सूरत ना वधु मां वधु नागरिकों ने साइबर क्राइम बाबते जागृत करवा माटे साइबरी साइबर संजीवनी नाम थी अत्यारे एक बहु मोटी पब्लिक अवेयरनेस नी मोहिम चालू छे। आ दरमियान ज एक मोटी सफलता सूरत सिटी पुलिस साइबर क्राइम सेल ने मिली जेमा मोटी उम्रना अथवा रिटायर्ड लोकोना इंश्योरेंस पॉलिसी कढ़ावाना नामे पॉलिसी कढ़ावामां आवे छे। पछी आ पॉलिसी हवे पाकी गई छे अने तमने पेमेंट करावा माटे तमारे जुदा जुदा नामे चार्जेस भरवा पड़शे। एवी रीते पैसा साइबर क्रिमिनल्स जे गुनेगारों छे आ लोको पोताना एकाउंट में आरटीजीएस थी जमा करावे छे ने पछी आ पैसा आ लोको चाऊं करे छे। गंभीर बात आ छे कि आ फरियादी वर्ष 2017 ना ऑक्टोबर मास थी आ लोकोनी साथे टेलिफोन ऊपर संपर्क में हता अने मार्च 2021 में जारे आ फरियादी फरियाद करवा माटे आया त्यार सुधी लगभग 42,00,000 थी ऊपर एक्जेक्टली 48,00,000 रुपया एनी पासे थी खोटी रीते फ्रॉड में पड़ावी लेवामां आया था 42,81,000 रुपया। आरोपीओ एनी पासे थी जुदा जुदा एकाउंट्स में जे पैसा नी मांगणी करता हता आ आरटीजीएस थी पैसा एनी पासे थी मेळवामां आवता हता। जे ओरिजिनल पॉलिसी हती ए पॉलिसीओ साची हती, साची पॉलिसीओ एना पोताना नामे एनी पुत्रवधुना नामे पुत्रना नामे बीजा सगा संबंधीओना नामे केटलीक पॉलिसी शुरू करावी अने पछी एने भरोसा आप्या के अमे सरकारमांथी बोलीए छीए अमे सरकारी अधिकारीओ छीए अने तमारी पॉलिसीना पैसा पाकी गया छे तमारे पासे तमने तात्कालिक पैसा पाछा जोता होय तो एटले एटला सर्विस चार्जेस तमने भरवा पड़शे। आम करीने आ इन्श्योरेंस फ्रॉड करवामां आया था। मार्चमां आ फरियाद रजिस्टर कर्या पछी साइबर क्राइमनी टीमे खूब मेहनत करी। આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી એ હતી કે પૂર્વ આયોજિત કાવતરું રચી મદદગારીથી લોકોને ફોન કરી અલગ અલગ વીમા કંપનીઓમાં ટીડીએસ જીએસટી ઇન્કમટેક્સના નામે બીજા રાજ્યમાંથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા પેન્શન યોજનાના નામે વગેરે જેવી અલગ અલગ સ્કીમો સમજાવી લોભામણી તથા લલચામણી વાતો કરી અલગ અલગ વીમા કંપનીઓમાં પોલિસીઓ લેવડાવતા હતા। ત્યારબાદ આ આરોપી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે જોડાયેલા છે તેવી ખુટ્ટી ઓળખ આપીને પોલિસીઓનું પેમેન્ટ રિલીઝ કરવાના બહાને ચાર્જ વસૂલતા હતા। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज सूरत।